हाँ जी, आप जरबर में आपका स्वागत है। संवाददाता सुरेश प्रसाद ने खबर दी है कि दुमका के रामगढ़ थाना क्षेत्र के भालसुमर डाड़ी में शुक्रवार को नाबालिग लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। दरिंदों ने एक बार पुनः मानवता को शर्मसार कर दिया है। ट्यूशन पढ़कर लौट रही लगभग 10-11 वर्ष की छोटी बच्ची का बलात्कार कर हत्या की गई। भालसुमर ग्राम की छात्रा आज सुबह लगभग 7 बजे ट्यूशन पढ़ने सिंदूरिया गई थी। जब वे 11 बजे तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। सिंदूरिया के रास्ते में डाड़ी गांव के बाहर स्थित काली मंदिर के निकट सड़क पर बच्ची की साइकिल मिली। खोजबीन करने पर पास की झाड़ी में छात्रा का शव बरामद हुआ। बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार की आशंका को बल मिलता है। घटना स्थल पर इस्तेमाल किया हुआ 3 कंडोम, गुलेल और गुलेल की मिट्टी की गोलियां बरामद हुई है। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची और रामगढ़ थाना पुलिस ने शव को जब्त कर लिया। रामगढ़ थाना प्रभारी ने कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रामगढ़ थाना क्षेत्र में आज एक बच्ची का शव बरामद हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बलात्कार कर खून किया गया है गला दबाकर। इसी मामले में बच्ची के परिजनों का भी हम लोग बयान लेकर कांड दर्ज कर रहे हैं तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कांड के अनुसंधान में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अनुसंधान जारी रखे हैं और थानेदारों आगे अग्रोत्तर जो भी कार्रवाई होगी वो अपडेट किया जाएगा। सर, रामगढ़ प्रखंड में 2 बार ऐसा केस आ गया, सर, ऐसे कुछ कर सकते हैं? जैसे कि इस तरीके के जो क्राइम होते हैं, ये इंपल्सिव क्राइम होते हैं। पिछला बार भी जो केस हुआ था, जिसका भी हम लोगों ने उद्भेदन किया था, उसमें भी चाचा ने भतीजी का किया था रेप। उसको पूर्वाभास इसमें नहीं हो पाता है, परंतु इसका सफल डिटेक्शन हो जाए तथा अपराधियों को सजा मिल जाए, वही अभी पुलिस का हम लोग का उद्देश्य है। सर, इस मामले की जांच के लिए कोई स्पेशल टीम बनाई जा रही है क्या? हाँ, इसमें इंस्पेक्टर काठीकुंड के नेतृत्व में और थाना प्रभारी के नेतृत्व में और 3 प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर्स और 2 ASI के अंडर में हम लोगों ने SIT का गठन किया है, ताकि विभिन्न पहलुओं पर जल्दी जाँच कम्प्लीट करके हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। पर ये रेप माना जाएगा या गैंगरेप माना जाएगा? ये प्रथम दृष्टया तो रेप लग रहा है और गैंगरेप की पुष्टि अभी पोस्टमार्टम के लिए बढ़ी जा रही है, उससे हो जाएगी। सर, जहाँ घटनास्थल था वहाँ पर कुछ कुछ बरामद भी हुआ है अभी आप लोगों को? वो अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग आगे जैसे जैसे क्लियर होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।